और भी मैं तीन भाई यहाँ पे हरियाली बोटी आ गई सियालकोट में, हरियाली बोटी आ गई और भाई छा गई है। ग्रीन जो तोते का कलर नहीं होता, ग्रीन तोते यार रंग है ना, फुल का पूरा सेटअप है यहाँ पे। इस साइड पे जो है वो सज्जी वाला सारा सीन चला हुआ है, वहाँ पे जो है उनके वो बारबेक्यू सीन होता है, भाई कढ़ाई का जो सीन है ना वो चले हुए हैं। कौन सी चीज अच्छी लगी है, ये वाली या फिर ये? तो जी ये जो है ये इनका सेटअप है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है बलोची सब्जियाँ लगी हुई हैं फुल, जो ये सियालकोट में जो है ना ऑथेंटिक किस्म की सब्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा जो ऑर्डर है ये बन रहा है यहाँ पे फुल सब्जी, और इनका ये बताना है कि ये जो सारी सब्जी सामने लगी हुई है इनको कोई तकरीबन 3 घंटे के लिए स्लो कुक किया जाता है, और फिर कोई 10 से 15 मिनट के अंदर जो है ना ये सब्जी बन जाती होती है इनकी। ये आप चेक कर सकते हैं। इस साइड पे जो है वो सब्जी वाला सारा सीन चला हुआ है, वहाँ पे जो है उनके वो बारबेक्यू सीन होता है। अभी थोड़ा सा ऑर्डर लगा हुआ है वहाँ पर भी। यार हमने इनके ऑनर से बात की है और वो बता रहे थे कि ये जो सब्जी है इसको प्योर बलोची स्टाइल में जो है तैयार किया जाता है, और इसमें माइल्ड सी चीज़ें जैसे कि नमक हो गया और इसके अलावा कुछ मसाले वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और लहसुन अदरक वगैरह बस यही, और प्योर किस्म की सब्जी जो है ना वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। जी बताइए क्या बनाने लगे हैं ये? ये भाई बलोची राइस है। इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करते हैं इसके अंदर? काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जैसा कि बिरयानी मसाला वगैरह, और सफ़ेद ज़ीरा, खुशक धनिया वगैरह, और दूसरा गरम मसाला होता है, टमाटर होते हैं, प्याज होते हैं, इमली होती है, आलू बुखारा होता है, छुहारे होते हैं, चिकन पाउडर होता है, फूड कलर होता है। इसलिए ले जी अब जो चावल है ना वो आने लगे अंदर। ये चावल जो है कि डाल रहे हैं, ये चेक करें। अब इसको कितनी देर तक आपने दम लगाना है? इसे अभी 3-4 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे, फिर इसको तकरीबन 30 मिनट दम लगाएंगे अच्छी तरह। ले जी भाई जो अपनी सब्जी है ना वो रेडी हो चुकी हुई है, ये चेक करें। ले जी भाई अब ऊपर आ गया मसाला इनका, फुल ऊपर मसाले की बारिश की जा रही है, इसके तन मन धन के अंदर जो है ना मसाला फुल भरा जा रहा है, चेक करें। ये सिंपल मसाला है, चाट मसाला फुल ऊपर इन्होंने जो है ना कट्स लगाए हैं, और ऊपर जो है ना अंदर अंदर तक जो है ना मसाला फुल जा रहा है, चेक करें। ये अब ऊपर क्या डाले? लेमन जूस। ले जी भाई अब ऊपर जो है ना फ्रेश लेमन जूस इनका जो है ना ये डाला जा रहा है। अब फिर उसकी दफ़ा चौथी बार तकरीबन ऊपर मसाला डाला गया है, इसे चेक करेंगे। अब ये रेडी हो गई है, ये गई है कटोरे के अंदर। ले जी भाई अब और ऊपर चीज़ें डाली जा रही हैं, ये चेक करें। एक बार फिर से मसाला आ गया ऊपर। ये जो है इनके स्पेशल बलोची चावल हैं, ये चेक करें। ले जी भाई अब जो है ना चावल वो फुल ऊपर बढ़ने लगे हैं, ये चेक करें। ये आगो पटावल है यहाँ पे, बारबेक्यू के शशके चल रहे हैं, फुल धुएं उठ रहे हैं यहाँ पे। ये देखो तीन ऑन है, देसी रोटियां जो है वो बन रही हैं इधर। ये चेक करो भाई गर्मा गर्म फुल हैवी किस्म के कबाब जो है ना, ये चेक करो। ये उसके ऊपर ही आ गए हैं, टिक्का बोटी आ गई है, चिकन जो है ना इसको कढ़ाई में डाल दी यहाँ पे प्रेशर पे, तो इधर इसको पका के फिर इसको यहाँ पे लेके आएंगे। ये मैं तीन भाई जो है ये लगे हुए हैं, ये चेक करें। ऊपर टमाटर आ गए हैं, प्याज डाल दिए इन्होंने, अब आने लगे हैं इनके मसाले ऊपर आने लगे हैं, लाल मिर्च जो है ऊपर डाल दी इन्होंने, अब नमक ऊपर भर के इन्होंने डाला फुल, तो ये आ गया जी भाई पानी आ गया। ये जो है ना प्रेशर में मिक्स हो रहा है, और हाफ डन होगा तो उसके बाद जो है ना इसको इधर कढ़ाई में ले आएंगे, ठीक है, फिर इधर बाकी इसका काम तमाम करेंगे। ये तो अभी ये पकना शुरू हो गई है, अब जब बन के रेडी होगी तो इसके बाद आपको हम दिखाते हैं। प्रेशर के बाद जो है ना इधर आ जाती है, फिर इसको दोबारा यहाँ पे पकाते हैं। इसलिए जी अब जो है ना ऊपर काली मिर्च डाल रहे हैं ये, और ये आ गया हरा धनिया ऊपर, चेक करो कढ़ाई है ना वो रेडी हो गई है। ये भाई साहब ने 10 मिनट के लिए तकरीबन यहाँ पे इसको पकाया है। तो मतीन भाई है ना, मैं एक स्पेशल बोटी दिखाने लगे हैं। ये जनाब ये हरियाली बोटी चेक करें, ये पाकिस्तान के जो हरे बागात है वहाँ से लेकर आई है, ठीक है, और इसके अंदर फुल
लेवल के मसाले हर एक किस्म के डाले हुए हैं, ठीक है। मैंने इनसे पूछा है कि ये कौन सी सॉस है, मैं कहा कोई मिंट सॉस है, तो कहते हैं नहीं टमाटो केचप है, जिसके अंदर इन्होंने ग्रीन चटनियाँ कोई डाल के रंग डाल के तो इसको ये हरियाली सॉस बनाया, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के ग्रीन बागात हैं, ठीक है, और हरे हरे बागात से इसको लेकर आए गए हैं। प्लेटर की चीज़ें हैं ना वो इधर लग चुकी हैं, ये चेक करें, हमारा प्लेटर है ना वो तैयार, और इनसे पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर। भाई लेग पीस मिलेगा, पाशा बोटी मिलेगी, चिकन कबाब, बीफ कबाब, मलाई बोटी। और ये जो हरियाली बोटी है ये मतलब क्या, इसका क्या कंसेप्ट है, ये किस तरह की बोटी है? मतलब ग्रीन मसाला लगता है। अच्छा, ये सॉस होती है कोई? पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, नाल थोड़ा कलर लगता है। जो प्लेटर है वो हमारा रेडी हो रहा है, ये चेक करें। साइडों पे इसके जो है ना खीरे लगे हुए हैं, बीच में इन्होंने राइस का जो है ना एक बाउल वो रखा है, और अब ऊपर जो है ना इसकी चीज़ें डाली जा रही हैं, बारबेक्यू की डिफरेंट वैरायटी जो है ना वो ऊपर डाल रहे हैं। ये आगे जब इनकी जो स्पेशल हरियाली बोटी की बात कर रहे थे ना, ये वो आ गया। अब इसके अंदर जो है ना बाकी नान ऐड कर रहे हैं। लेडी पे जो हमारा ऑर्डर है वो रेडी हो गया, वो अभी हम जा रहे हैं, सर्विंग उन्होंने कर दी है, और ये मतीन भाई भी जो है ये साथ हैं। मतीन भाई कैसी भूख लगी हुई है? और अभी हम चलते हैं और जाकर टेस्ट करते हैं ये कैसा लगता है हमें, ठीक। तो ये हमारी जो फुल सब्जी है ये रेडी होकर आ चुकी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं, और साथ में ये इनके जो है आलू बहारे की चटनी है ये भी चेक करेंगे, और फुल हैवी शशका इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। अब मतीन भाई जो है ना वो चावल को हटाने लगे हैं और सब्जी चेक कराते हैं आपको कैसी लगती है। फुल तोड़ दी है उसने, मतलब आधी आधी काट दी है तकरीबन, फुल टेंडर है। ये चेक करें भाई, लेकिन जी भी अब जो सब्जी है ना हम ट्राई करते हैं। ये पहले रील के चक्कर में जो है ना हमने सारा इसका कबाड़ा कट दिया, और अब इसकी पहली बाइट लेते हैं, चेक करते हैं। ये लिया, ये हमने बाइट रेडी कर लिया। टेस्ट जो है इसका अच्छा है, और स्पाइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मसाले की लेयर कोई 3-4 दफ़ा टका के डाली थी उन्होंने, और चावल है इनके बलोची राइस वो भी काफ़ी मज़े के हैं, तो रिकमेंडेड है आप ज़रूर ट्राई करो। बात हैवी किस्म की जो चिकन कढ़ाई है ना वो भी हमारी आ चुकी हुई है, ये ट्राई करने लगे, बताते हैं टेस्ट कैसा है। कैसा टेस्ट है? वैसे मैं हैदराबाद की ट्राई की है, लेकिन चिकन कढ़ाई पहली बार खा रहा हूँ, ये भी लाजवाब है, बेहतरीन बनी है। ले जी, अब जो कढ़ाई है ना इसको चेक करते हैं। ये नान ले लिया हमने, अब एक मज़े की बाइट बनाते हैं। एक साथ ही हमने मसाला ले लिया, नॉट बैड, मज़े किया। कढ़ाई आज की अच्छी है, गली की अच्छी है, अच्छे मसाले, लाइट मसाले हर बंदा खा सकता है। कढ़ाई जो है ना वो मज़े की है, सही टेस्ट आ रहा है इसके अंदर फुल। कैसा टेस्ट? मज़ा आया, कोई शुगर मसाले नहीं डाले इन्होंने ना। कौन सी चीज़ अच्छी लगी है, ये वाली या फिर ये? मुझे कढ़ाई ज़्यादा अच्छी लग रही है, कढ़ाई ज़्यादा अच्छी लग रही है, मज़े के हैं, जैसे हमें पसंद है ना पंजाब में वैसे मसाले हैं। ये जो हमारा जंगजू प्लेटर है ना वो आ चुका हुआ है, इसके अंदर जो है इन्होंने एक तकरीबन 4 नान के पीस हैं, इसके साथ ये कबाब है, और साथ में वो लेग पीस है, और कुछ मलाई बोटी हैं, और साथ में राइस इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। ये इनकी जो है प्लम सॉस है, जिसके अंदर इन्होंने तकरीबन कोई डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हुए हैं, और अभी ये चेक करते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। ले जो भी मैंने जो है ना इनका ये जंगजू प्लेटर इनका जो है स्पेशल ट्राई किया, इसमें हैवी किस्म की इन्होंने वैरायटी प्रोवाइड की थी, जिसके अंदर मुझे इनकी जो मलाई बोटी है और साथ में हरियाली बोटी है ना बड़ी कमाल की लगी है। इसको मैंने ये लम सॉस के साथ लगाए खाया है, तो काफ़ी मज़े का टेस्ट आया। मतीन क्या प्राइस है इसकी? यार इसकी यार एक जंगजू प्राइस है 1000 रुपया, यानी 1000 रुपये में यार इतनी ज़्यादा चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही कैसे दे रहे हैं, वो लेवल की यार प्राइस रेंज है। इस प्राइस में मैं कहता हूँ कि 2 बंदे खाना खा लें, और वो भी देसी किस्म का, ये बारबेक्यू भी और चावल भी और नान भी, तो क्या ही बात है। सही बात है यार, बड़ी हैवी किस्म की वैरायटी इन्होंने प्रोवाइड की हुई है यार, ये ज़रूर ट्राई करो। इसके लिए आप आ जाओ फोर्ज़ा कैफे, और आगे इनके हैवी किस्म के शशके जो है ना चेक करो। तो खाना शाना जो है वो हमने खा लिया, इनका प्लेटर सज्जी सब कुछ खा के हम फारिग हो चुके हैं। तो मैं तीन बताओ यार कैसा लगा? सुकून के लिए लेटने आ गया, खा पी बहुत लिया है, अब यहाँ पे बिस्तर इन्होंने बनाए हुए हैं हमारे बैठने के लिए, यहाँ पे अब लेटते हैं, और यहीं पर टून हो जाता है, सुबह नाश्ते में मिलेंगे। तो यार अगर ये सज्जी ट्राई करनी है और ऐसे हैवी किस्म के बारबेक्यू ट्राई करने आना, तो यार कहाँ पर आपने आ जाना है?
फोर्जा कैफे आना है, हाजीपुरा रोड है, ठीक है, और मुगल आजम मार्केट उसके बिल्कुल सामने आपको मिल जाएगा। किसी और मजे मजे की फूड की वीडियोस देखना चाहते हो, फॉलो कर लो, और यार भाई को दुआओं में याद रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।